मनमाड शहरातील शहीद अब्दुल हमीद चौकाचे पुन्हा एकदा उद्घाटन करण्यात आले. रोडच्या कामानिमित्त येथील चौकावरील माहिती दर्शवणारं जे बोर्ड होतं ते काढण्यात आले होते, मात्र आता पुन्हा ते फलक ते बोर्ड लावण्यात आले आहे. मनमाडमध्ये प्रसिद्ध असलेला बजमे इत्तेहाद शहीद अब्दुल हमीद चौक या चौकाची स्थापना दिनांक 31 ऑगस्ट इसवी सन 1993 साली करण्यात आली होती, मात्र रोडच्या कामामुळे या चौकावरील बोर्ड काढण्यात आले होते. परंतु आता काम पूर्ण झाल्यामुळे आता या ठिकाणी पुन्हा नवीन बोर्ड लावण्यात आला आहे. त्यामुळे 18 मार्च 2023 पुन्हा या बोर्डाचे उद्घाटन नगरसेवक अमजदभाई पठाण यांच्या हस्ते करण्यात आले. भाइयों, आज हम जिस मकसद के तहत यहाँ पर जमा हुए, आप देख रहे होंगे ये बोर्ड है, ये कोई नया बोर्ड की इत्तिदा नहीं है, ये जुनाई बोर्ड है, लेकिन इसका रिनोवेशन करके हम फिर से उसको ओपन कर रहे हैं. ये बोर्ड का नाम है बजमे इत्तेहाद, और आज हमारे लिए बड़ी ये फख्र और बड़ी ये गर्व की बात है, ऑनर ऑफ प्राइड है कि हमारे सबके जाने माने अमजद भाई पठान नगर सेवक मनमाड़ नगर परिषद मनमाड़ आज हमारे साथ में फिरोज भाई शेख और हमारे शहीद दादा और तमाम जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद है, तो ये हमारे लिए फिर से एक प्राइड की बात है कि ये जो बोर्ड है उसका फिर से हम रिनोवेशन करने जा रहे हैं. तो मैं गुजारिश करूंगा हमारे अमजद भाई पठान इनसे और फिरोज भाई इनसे कि वो जो इब्तदा है इस बोर्ड की, यहाँ पर वो कैची से कट करके उसकी इब्तदा करें. तर यावेळी खलील शेख, रब्बानी शेख, भय्यू शेख, फिरोज शेख, नसीम शहा, फरदीन शेख, आसिफ तांबोळी, अल्कमा शहा, अदनान शहा, अल्तमश तांबोळी हे उपस्थित होते. नाशिक मनमाडवरून आवेश कुरेशी, विकास समाचार.